सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सी एस सी पी वाई क्यू 2022 के हम 60th क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर और 80 तक, देखेंगे कैसे करना चाहिए और हाउ वी शुड एनालाइज, यही सबसे मेन क्वेश्चन है, कैसे हम ऐसा उसको एनालाइज करें। तो देखो 61 क्वेश्चन आता है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और इसमें आपको करेक्ट वन ढूंढनी है। सबसे पहली बात, तो अगर आप यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की भी जाओगे तो आपको नजर आएगा कि क्वेश्चन नंबर 61 को यूपीएससी ने एलिमिनेट कर दिया था और 99 क्वेश्चंस को ही माना था। बट आपको इसको पढ़ना है, इससे समझ में आते हैं कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि इन्हीं ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को जो है आपको दे दिया जाए। ओके ठीक है, तो पहला ऑप्शन है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड नेशन फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल फ्लाइट क्या होती है। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द फर्म्स विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, एंड थर्ड वन इज डिवेल्युएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। तो देखो बेशक से भले ही यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो गया, बट यहाँ से आपके कुछ टॉपिक्स निकल के आते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स होती क्या क्या है, कौन से फैक्टर्स है जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को अफेक्ट करते हैं, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी आखिर होती क्या है, अगर करेंसी डिवेल्यूएट हो जाती है तो इफेक्ट क्या पड़ता है आपके एक्सपोर्ट पे, आपके इंपोर्ट पे क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछ रखा है टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज की, तो आपको पता होना चाहिए लूज मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी होती है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज कौन सी होती हैं। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो क्या होती है, और इंडिया में क्या इसका रोल है, आरबीआई इसको कैसे इस्तेमाल करता है, व्हाट आर द वेरियस वेज, तो ये सब कुछ आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, यहाँ से यही टॉपिक निकल के आता है। अगर हम इसके बात करने की कोशिश करें तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी तब अपनाई जाती है जब आपकी मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत हाई होता है उस टाइम पे। ठीक है, उस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आप यूज करते हो टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज, जिसमें आप पैसा मार्केट से खींच लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई को अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगी तो वो क्या करता है, आपकी जितनी भी सिक्योरिटीज होती है उनको मार्केट में सेल कर देता है ताकि मार्केट से पैसा आरबीआई ले सके। तो अगर ऐसा ही आप रिजर्व बैंक मतलब यूएसए में चलाया जाएगा और मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर दिया जाएगा, पैसा खींच लिया जाएगा मार्केट से, तो ऑब्वियस ही बात है आप मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करोगे। अगर आप बैंक से लोन लेने जाओगे आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे कि जो यूएस वाले लोग हैं वो ऑब्वियस ही बात है यूएस में पैसा ना लगा के किसी दूसरी कंट्री में लगाना चाहेंगे, और इसे ही आप बोलते हो कैपिटल फ्लाइट। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही लग रही है तो ये गई गलत हो गई। ठीक है, उसके बाद अगला बोल रहा है कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द फर्म विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ऑब्वियस ही बात है जब पैसा सारा के सारा आपका पैसा चला जाएगा, उसके पास आपके पास कोई पैसा बचता नहीं है, आप पैसा लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा जाएगा। फिर डिवेल्युएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज द करेंसी रेट एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब इसमें ही मुझे लगता है इसी ऑप्शन में शायद कंफ्यूजन था, क्योंकि क्या है कि आपकी अगर आप डोमेस्टिक करेंसी को डिवेल्युएट करते हो, ठीक है, या फिर मतलब उसमें क्या होता है कि अगर आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी की सपोज करो इंडिया वैल्यू गिरा देता है तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आप एक्सटर्नल से बाहर से आप अगर कोई भी पैसा उठाते हो तो उनकी डिनोमिनेशन ऑब्वियसली बात है वो बाहर वाली करेंसी, वेदर इट इज योर डॉलर और ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इंडियन करेंसी नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ओके, तो मतलब वो चीज़ आप इसको देख लो। ठीक है, अगर मान लो मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 64, तो ये कहता है विद रेफरेंस टू द बैंक बोर्ड ब्यूरो। अब ये बैंक बोर्ड ब्यूरो भी पहले किसी ऑप्शन क्वेश्चन के ऑप्शन में इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद यूपीएससी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही बना दिया। तो देखो इसके बारे में आपसे पूछ रहा है क्या स्टेटमेंट है। पहले तीन ऑप्शन है, ऐसे स्टेटमेंट आती है तो तीनों के तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, ये कर देना है, खत्म कर देना। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि इस ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा, यहाँ पे भी पूछा आपसे करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा है, बट यहाँ कोई टॉपिक नहीं दिया, आपको तीनों चीजें पढ़नी पड़ेंगी। बट जब आप समटाइम्स इस तरीके के टॉपिक दिए होंगे तो उसमें ये चीज डिसाइड होती है कि आपके तीनों के तीनों आंसर नहीं हो सकते, वे भी हो सकते हैं बट उसके चांसेस सिर्फ और सिर्फ आपके 2 और 3% होते हैं, तो आप ज्यादा प्रोबेबिलिटी को लेके चलते हैं हमेशा।
पर हम फिर भी तीनों स्टेटमेंट देख लेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। यानी आपको सबसे पहले यहाँ पे बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है उसको टॉपिक को कवर करना है, पढ़ना है, ठीक है। इसने बोला है आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो, दिस इज अ फैक्ट, टोटल फैक्ट है। अगर आपको नहीं पता कौन होता है चेयरमैन, तो ये गवर्नर होता है, बिल्कुल नहीं होता भाई, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं। ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, फिर से आंसर आ गया, ठीक है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये फिर से साबित हो गया। दूसरा, ये रिकमेंड करता है सिलेक्शन ऑफ हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, ऑब्वियस सी बात है, और इट हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक डेवलपिंग स्ट्रेटजी, जनरल स्टेटमेंट है। यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे फिक्स नहीं है, यहाँ पे बोला रिकमेंड करता है। अगर मान लो कंफ्यूजन है, आपने बिल्कुल बैंक बोर्ड ब्यूरो नहीं पढ़ा, तो हम कैसे मान के चलेंगे कि ये इसके हेड को, यहाँ पे देखोगे तो आपको, अगर हम हिंदी में मैं इसको पढ़ूँ आपके लिए, एक सेकेंड, तो हिंदी में बोलता है ये बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन करने के लिए संतुति करता है, ठीक है, यानी कि रिकमेंड करता है, क्या देता है, रिकमेंडेशन। वो आपसे फिक्सली ये नहीं कहता इसी को करो, वो रिकमेंड करता है, दैट मीन्स करेक्ट है। यहाँ पे वो हेल्प करता है, दैट मीन्स करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आप बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ ना कुछ रिकमेंड करने के लिए, किसी ना किसी की हेल्प करने के लिए तो बनाओगे। अब देखो 62, यहाँ पे बोल रहा है टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, जनरली किसको टी प्रोड्यूसिंग स्टेट माना जाता है। अगर आपको पता होगा कि अगर मान लो कि हमें ये तो पता है, कहीं सबसे पहले दार्जिलिंग वगैरह जैसी जगह पे उगाई जाती थी, यानी हिली एरियाज में आपकी उगाई जाती है, ये चीज़ है। तो देखो केरला, ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर मैटर करता है, प्रेसिपिटेशन मैटर करती है, हिली एरिया मैटर करता है। त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चारों में ही हिली एरिया, तो ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं। और यहाँ पे आपको फिर से क्वेश्चन करना है, उसने बोला है विच ऑफ द अबव आर जनरली, अगर जनरली नहीं आते, पर्टिकुलर वर्ड आते हैं, तो फिर आपका हिमाचल प्रदेश नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे पूछा जनरली, यानी कि अगर थोड़ी बहुत भी कहीं होती है तो भी माना जाएगा कि हाँ वो चीज़ होती है। तो इस तरीके के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें आपको सारे, सॉरी, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको सारे के सारे ऑप्शंस को चुनना होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, आप देखो यहाँ से फिर से रेटिंग एजेंसी के बारे में क्वेश्चन उसने पूछ रखा है, तीनों स्टेटमेंट गलत लगा के चलो कि गलत है, ठीक है या नहीं है वो देख लेंगे हम, है कि है, बट तीनों स्टेटमेंट आप गलत लगा के चलो कि वो गलत है। देखो पहला क्या कह रहा है, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। अगर बिल्कुल नहीं पता तो याद रखो कि जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज है, अगर रेगुलेटेड अथॉरिटी से रिलेटेड चीज है, तो उसको गलत करने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। वैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को कौन रेगुलेट करता है ये हम सबको पता होना चाहिए, ये किसका काम है, सेबी का है। तो पहले स्टेटमेंट गलत होते ही आपकी स्टेटमेंट 2 और 3 आ जाती है निकल के। अब आपको पता होना चाहिए आरबीआई किसको रेगुलेट करता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को कौन रेगुलेट करता है, इंडिया में कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, ठीक है। तो अब ये पता चल गया, ब्रिक वर्क रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज इकरा इज अ पब्लिक लिमिटेड। अब हम ये देख लेते हैं, अब यहाँ से देखो ये फैक्ट है, बट यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, इसका मतलब ये ठीक है जब आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 65, कन्वर्टिबल बॉन्ड, कन्वर्टिबल बॉन्ड से यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं, और आज के टाइम पे यूपीएससी का कहें वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है जो चल रहा है कन्वर्टिबल बॉन्ड का, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। समटाइम्स मतलब ये ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको आप ले जाके वहाँ ये नहीं बोल सकते कि मेरे को नहीं आता है, ये टॉपिक आने ही चाहिए आपको, क्योंकि ये पी वाई क्यूज में भी मैंशन है। एज देयर इज अ ऑप्शन टू एक्सचेंज था, आप कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे बॉन्ड जिसको आप इक्विटी में चेंज कर सकते हो, ठीक है। देखो देर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, इक्विटी से चेंज कर सकते हो, कन्वर्टेबल बॉन्ड पे ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको चेंज करने का ऑप्शन है बॉन्ड से इक्विटी, इक्विटी से बॉन्ड, इसका मतलब है आपको इंटरेस्ट रेट लो मिलेगा, दैट मीन्स दिस इज जनरल स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। सेकेंड वन, द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड द बोर्ड होल्डर ए डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन ऑफ राइजिंग कंज्यूमर प्राइस। अगर आपको इक्विटी में चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो किसी ना किसी बेनिफिट के लिए होगा, ताकि वो अफोर्ड कर सके एक डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो दोनों सही है। तो अब आपका काम है कि कन्वर्टेबल बोर्ड को जाके और आपको देखना है कि कन्वर्टेबल बोर्ड आखिर होते क्या है, और इसको अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि यूपीएससी वही क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो देखो इसमें है इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग का हम किसका मेंबर है। ओके, अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का है, ऑब्वियस ही बात है,
MTCR का भी है, शंघाई का भी है, तो ये तीनों तो पता होना चाहिए, न्यूज़पेपर में चलते रहते हैं और आईआर पढ़ते हो तो आपको वैसे पता होना चाहिए स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 68 की अगर मैं बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। अब मैंने वही चीज़ वहाँ पे बताई थी कि अगर मान लो ये जो क्वेश्चन आया था आपका टाइटरी मॉनेटरी पॉलिसी को लेके, फर्स्ट वाली, ठीक है, तो आपकी यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी को कौन करता है? आरबीआई। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन तो पूछा हुआ है कि कौन है जो प्राइस स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन, तो सीधा सा ऑप्शन है कौन है? आरबीआई। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही पेपर में आपको ऑप्शंस के क्वेश्चन नहीं बनाए, वो भी बना रखे हैं। अब देखो, नॉन फंजिबल टॉपिक उस टाइम बहुत न्यूज में था, इसलिए ये टॉपिक पूछा गया था। ठीक है, तो आपको इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि एक्सेस न्यूज में ये रहा है। ठीक है, पर फिर भी देखो, इन्होंने पूछा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मान के चलो कि सारे करेक्ट नहीं है, पर फिर भी देख लेंगे, बट मान के चलो। देखो पहली कहता है, थर्ड वन ही देख लेते हैं, ये कहते हैं दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी एंड देयर फॉर कैन बी यूज एज ए मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन। नहीं है, दो स्टेटमेंट है, पहले वो ट्रेड कर रहा है, एक्सचेंज भी कर रहा है, उसके बाद उसको यूज भी कर रहे हैं, दो स्टेटमेंट कनेक्टेड बाय एंड, और दोनों बताती हैं, मतलब एक में वो एक्सचेंज ट्रेड की बात कर रहा है और दूसरे में उसकी कमर्शियल वैल्यूज के मीडियम के बारे में बात कर रहा है। तो एनजीटी अभी आप इंडिया में ही लगा लो, जब हम जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन है, जब हमने इसी को नहीं अलाउ किया तो भाई हम इसको एनजीटी को कैसे अलाउ करते? ठीक है, तो इसका मतलब यही है, स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। बट वैसे भी देखो, नॉन फंजिबल टोकन में क्या है, दे इनेबल डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट। ठीक है, क्योंकि आपको याद हो एनजीटी उस टाइम पे फेमस हुआ था जब शायद एक जो इंडोनेशिया का था, या मैं मतलब जो ईस्ट साइड का ही बंदा था, कौन था जिसने अपने डेली की जो पिक्चर्स थी उनका एक पोर्टफोलियो बनाया था और वो फेमस हुआ था, तो तब ये आया था आपका। तो दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट, बिल्कुल, दे आर यूनिक क्रिप्टो करेंसी टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन ब्लॉकचेन, ऑब्वियसली बात है, बट ये नहीं, उनको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं यूज कर सकते। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 67, मैं फिर से कह रही हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करना बहुत इजी है और आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है आपका, यहाँ से ये पता चल रहा है सारी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, बट फिर भी आप कौन सी स्टेटमेंट को ठीक माने, कौन सी को नहीं माने। देखो, वियतनाम हैज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इन्होंने ये नहीं बोला फास्टेस्ट, इन्होंने बोला वन ऑफ द फास्टेस्ट, तो वो किसी भी नंबर पे हो सकती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे हो सकती है, इसका मतलब सही है, फर्स्ट इज करेक्ट, तो यानी दो ऑप्शन निकल के आते हैं, 50-50, ये खत्म। अब या तो दो देख लो या तीन और चार देख लो। वियतनाम इज लेड बाय मल्टी पार्टिकल पॉलिटिकल सिस्टम। हमें नहीं पता भाई, हमें हम अपनी कंट्री का ध्यान रख ले तो वही बड़ी बहुत बड़ी बात है, हम कहाँ दूसरी कंट्रीज में जाएंगे, इसका मतलब ये हमें नहीं पता, तो इसको मान के चलो यहाँ पे लिख लो सीधा फैक्ट है, अगर नहीं समझ में आ रहा है गलत है लिख लो फैक्ट है। थर्ड वन देखो, वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड टू इट्स इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट। आज के टाइम पे कौन ऐसी कंट्री है जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन से कनेक्टेड नहीं है, हर कंट्री कनेक्टेड है, दैट मीन्स वियतनाम भी करेक्ट होगी। इसका मतलब है अगर दो स्टेटमेंट नंबर टू और थर्ड में आपको चुनना पड़े तो कौन सी स्टेटमेंट ज़्यादा सही होने की पॉसिबिलिटी लग रही है, ऑब्वियसली बात है स्टेटमेंट नंबर थ्री, तो इसका मतलब ये ठीक है, ये ठीक होते ही आपकी स्टेटमेंट ये ऑप्शन फिर से कट जाता है, आंसर आपका आ जाता है। फोर्थ क्या कह रहा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम वियतनाम लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर। इंडिया में, बांग्लादेश में, वियतनाम में क्यों मैन्युफैक्चरर्स जा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बात है क्योंकि वहाँ पर जो लेबर रेट है वो कम है हमारा। ठीक है, वियतनाम हैज द मोस्ट, अब यहाँ पे देखो फिफ्थ वन क्यों गलत है, वियतनाम हैज द मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में वियतनाम का सबसे ज्यादा है, क्यों भाई हम कहाँ गए, दूसरी कंट्रीज कहाँ गई, तो ये है आपका गलत स्टेटमेंट। ठीक है, आप देखो हाँ, क्वेश्चन नंबर 70, विच वन ऑफ द, अब यहाँ पे देखो कौन से इन्होंने बोला है नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन से करेक्टली मैच नहीं है, तो इस तरीके के में भी आपको क्या करना है, ऑल ऑफ द फोर गलत, ऐसा भी नहीं होगा यूपीएससी सारे के सारे नोट करेक्ट दे दे, और ऐसा भी नहीं होगा सारे के सारे करेक्ट दे दे, ओनली वन पेयर, बहुत रेयर चांसेस है, अनलेस एंड अंटिल ये क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड ना हो, आप फिर से कंफ्यूज रहते हैं उन्हीं में दो पेयर और तीन पेयर, यहीं पे आप 50-50 पहुंच जाते हो, अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता तब भी आप 50-50 पहुंच जाते हो, दैट फिर उसके बाद आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उसमें 50-50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट आपकी सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी रही है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे देखो, अब अगर आपको पता हो घाट प्रभाव,
घाट प्रभारी वर्ग के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ तो चुका है, तो क्या घाट प्रभा जो रिजर्वायर है आपका तेलंगाना में नहीं, दैट इज इन कर्नाटका, क्योंकि घाट प्रभा रिवर है आपकी कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरीज है, तो वो है कहाँ से, कर्नाटका। पहले स्टेटमेंट गलत हो जाती है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, ऑब्वियसली बात है, किस रिवर पे, चंबल रिवर पे है। इंदिरा गांधी, इंदिरा सागर जो होता है लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया, ये आपको पता होनी चाहिए। इनको आप ये नहीं बोलोगे कि ये हमें नहीं पता है, घाट प्रभा, गांधी सागर, इंदिरा सागर, एक किस्म से मैथन चलो समझ में आता है, मान लिया कि 1% आपको नहीं भी पता, बट पहले तीनों आपको पता होना चाहिए। इंदिरा सागर आपका आंध्र प्रदेश में नहीं, नर्मदा रिवर पे है, मध्य प्रदेश में। इसका मतलब है ये भी गलत, ये भी गलत, दो तो बिल्कुल गलत हो गए। आप तीसरा चौथा था मैथन छत्तीसगढ़ में, ये भी झारखंड में आता है, इसका मतलब ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट। नहीं पता कोई बात नहीं, अब जाके इस चीज को देखो, इन चीजों को इनको पता करो। अब आपको सिर्फ ये नहीं होना, रिजर्वायर यानी कि घाट प्रभा रिवर की अगर बात कर रहे हैं तो घाट प्रभा रिवर देखो, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी देखो, कौन सी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाके गिरती है, कृष्णा की और कौन सी ट्रिब्यूटरीज है और कौन से रिजर्वायर कृष्णा रिवर ने बनाए हैं जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, या कौन से डैम्स इन पे बने हुए हैं, चंबल रिवर, फिर जो है आपका क्रोकोडाइल आ जाता है अगर चंबल रिवर की बात आती है तो, फिर आंध्र प्रदेश, नर्मदा रिवर, नर्मदा और तापी दो मेन जो बड़ी रिवर्स है, वो ये ऐसी रिवर्स है जो आपकी जाती है वेस्ट में बाकी जाती है ईस्ट में, जिसपे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है ऐसा क्यों है कि ये दोनों वेस्ट में जाती है बाकी ईस्ट में फ्लो करती हैं। फिर आपके मैथन यानी झारखंड यानी बराकर रिवर पे है, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं क्वेश्चन नंबर 71, देखो 71 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्लॉजेस रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ इन द फैक्ट्रीज एम्प्लॉय वर्कर, कौन बनाता है इनके लिए आप बता, तो कौन है इसके लिए, सिर्फ एक ही लेबर ब्यूरो, और इस पे यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है लेबर ब्यूरो पे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्री से रिलेटेड या फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी सारे काम का जो भी चीज़ें देखता है या फिर जो इंडेक्सेस निकालता है, जैसे आपने इंडेक्स पढ़ा होगा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के निकल के लिए निकल के आता है, वो कौन निकालता है, लेबर ब्यूरो निकल के आता है। तो इसलिए अगर कुछ भी नहीं पता तो ये भी तो पता है, फैक्ट्री एम्प्लॉय वर्कर तो लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तो लिखा हुआ है, कौन लेके आता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, तो लेबर ब्यूरो तो वहीं पर जाओगे आप, किसी और पे क्यों जाओगे, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, इंडियन सैनिटेशन कोएलिशन, इसमें भी क्या पूछा आपसे, करेक्ट, ओके, ठीक है। इंडियन सैनिटेशन कोएलिशन इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन, ओके, सस्टेनेबल सैनिटेशन के लिए है, ठीक है, सही लग रहा है। एंड इट इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब जो याद रखो भाई, जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, दो ऑर्गेनाइजेशन है साथ के साथ, एक कंट्री है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, दो ऑर्गेनाइजेशन साथ में या एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो दैट इज अ फैक्ट। तो ये मतलब इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपके गलत होने के, तो आप इसको गलत लगा के चलोगे, ठीक है। सेकेंड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर इज एन एपेक्स बॉडी, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते वो होते हैं वर्ड्स जिन पे ध्यान देने की जरूरत होती है, इज एन एपेक्स, आप पढ़ते जाओगे तो लगेगा नहीं गलत है, बट यू हैव टू फोकस ऑन द वर्ड्स, एपेक्स बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। व्हाट डू यू मीन बाय एपेक्स बॉडी, एपेक्स बॉडी का मतलब होता है जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है वो, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत आती है। अब अर्बन अफेयर इंस्टीट्यूट है तो इसके अंतर्गत तो आएगा, ठीक है, लेकिन एपेक्स बॉडी है या नहीं है हमें नहीं पता, मे बी हो सकता है ना हो, ठीक है। इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड इनोवेशन सॉल्यूशन टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ अर्बन इंडिया, बाकी सब ठीक लग रहा है लेकिन गड़बड़ कहाँ पे है, एपेक्स बॉडी, ठीक है, हाईएस्ट एपेक्स बॉडी ये नहीं है, कोई और भी हो सकती है, इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट भी आप गलत मान के चलोगे, नेदर वन नेदर टू। और अगर मान लो ऐसे जो आपकी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो आपके सेट हो जाते हैं जब आप पीवाईक्यूज देखते हो, तो मे बी सम टाइम ऐसा हो सकता है कि वो गलत हो जाए, तो उस पर वो आपको नहीं देखना। अगर मान लो 10 क्वेश्चन आप ऐसे अटेम्प्ट करते हो उसमें आपके 8 ठीक है 2 गलत है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि 2 गलत है, 8 ठीक भी तो है, तो वो चीज़ भी देखनी है ना, प्रोबेबिलिटी पे खेलना है, प्रोबेबिलिटी सारा खेल है यूपीएससी में, ठीक है, खासकर प्रीलिम्स वाला। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ द कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसे में फिर से देखो, आपके 1 2 3 4 है, 4 ऑप्शन इसमें खुद ही नहीं दिए, इसका मतलब क्या है कि चारों ठीक होने की पॉसिबिलिटी आपकी कम है, ओके, ठीक है। देखो अब उसके बाद देखो, सबसे पहले अगर मान लो ऑप्शन में ही मैं जाती हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन देख के ही आपको थोड़ा सा ये आइडिया लग जाता है कि इसको एलिमिनेट करें, क्योंकि समटाइम आपको टाइम भी बचाना होता है। चलो वैसे इसको नहीं, इसमें नहीं समझ में आएगा क्योंकि इसमें तो सबकी 75 प्रोबेबिलिटी है, दूसरा देखेंगे। चलो मान लिया मैंने स्टेटमेंट, अब आपको जो क्वेश्चन देख रही हूँ ना, तो आपको मोटा मोटा एक ही टाइम पे सारे ऑप्शन पे नजर जानी चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं ऑप्शन नंबर
फोर को देखो, ये कह रहा है इट एंश्योर, पहला एक्सट्रीम वर्ड वो एंश्योर कर रहे हैं, ठीक है, दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू द एंड यूजर, ओके, और वो भी प्रिस्क्राइब टाइम में। अगर आप लोगों की क्लास 8 बजे होती है तो क्या आप 8 बजे जाते हो? नहीं जाते। किसी का ऑफिस 9 बजे है, क्या 9 बजे ऑफिस पहुँचता है? नहीं पहुँचता। क्या बहाना है? ट्रैफिक, ठीक है, हम सो के लेट उठे हैं या कुछ भी लगा लो, नहीं जाते हम, बिल्कुल नहीं जाते। इंडिया में कोई काम टाइम पे नहीं होता, तो भाई जो कोल माइनिंग कंपनीज होंगी क्या वो डिलीवर कर देंगे टाइम पे? इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट गलत। तो यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड देख रहे हो, एंश्योर और प्रिस्क्राइब टाइम, एंड यूजर को देना है प्रिस्क्राइब टाइम पे, और ये भी एंश्योरिटी दे, कौन इंश्योर करेगा? नहीं, इससे क्या समझ में आया? तो ऑप्शन गलत होती है। देखो यहाँ पे है आपका 1 एंड 2, यहाँ पे है 1, 2 एंड 3, इसका मतलब 1 और 2 को जाने की जरूरत ही नहीं है। जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जब आप एनालाइज कर रहे हो, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द स्टेटमेंट्स, ठीक है, वहाँ पे जाना है। लेकिन जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तब नहीं जाना है। तो यहाँ पे देखो 1 2, ठीक है, 1 2, ठीक है, 3 रह गया, इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ कॉल बियरिंग। अगर वो कंट्रोल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियस ही बात है उसको ऑब्जेक्शन को भी हेयर करेगा, दैट इज अ जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। आप 1 एंड 2 भी देख लेते हैं, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, इट मॉनिटर प्रोग्रेस वगैरह, ठीक है, कोल के और लिग्नाइट कोल के। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लिग्नाइट को जो ब्लॉक्स होते हैं वो आपके कहाँ मिलते हैं, जैसे तमिलनाडु वगैरह में मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, कहाँ पे लोकेशंस है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75, अब देखो इसने पूछा कि कौन सी ऐसी कमीशन है, अथॉरिटी है, एजेंसी है, या फिर क्या है, बोर्ड है, जो कि आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत बना है। ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आपका होना ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर सॉरी ईयर 2020 में आपको जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है इससे रिलेटेड एक पूरा PYQs दिया हुआ है, तो यू हैव टू नो अबाउट दिस क्वेश्चन। आप इसको वो नहीं कर सकते, तो यहीं से पता चलता है पावर ऑफ PYQ। ऐसे ही नहीं कहते कि आपको टेस्ट सीरीज नहीं लेनी चाहिए, आपको PYQs को एनालाइज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76, यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटीज के बारे में पूछा हुआ है और बताया कौन से करेक्ट है, तीनों है, तीनों में ऑप्शंस देख लो आप। यहाँ पे देखो ये इस तरीके के ऑप्शंस देखो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, 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
150 50, यानी इन दोनों की पॉसिबिलिटीज़ है गलत होने की ज़्यादा। ये 7 3 में दिया, इसका मतलब है ये ऑलमोस्ट 75% ठीक है। क्या कह रहा है, इट असेस द क्रेडेंशियल ऑफ ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर बिफोर सबमिटिंग ए रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल, तो ऑलमोस्ट ठीक लग रहा है। सेकंड देखो, इट ट्रेडिशनली मीट इन मार्च जून सेप्टेम्बर एवरी ईयर, फिक्स कर दिया उसने, फिक्स कर दिया कि वो मार्च में ही मिलेगा, जून में ही मिलेगा, सितंबर में ही मिलेगा, ठीक है। क्या सारे काम एक साथ एक टाइम पे हो सकते, नहीं हो सकते, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज रॉन्ग। तो ये रॉन्ग होते ही आपको प्रोबेबिलिटी वाला खेल समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर ये दो गलत, ये दो गलत, अब आ गया ये, इन दो में बच गए आप, यानी तीन तो ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया 75% प्रोबेबिलिटी वाला रूल कैसे खेलते हैं। देखो, फर्स्ट कह रहा है, इट इज अ कमेटी सेट अप बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन, ये भी एक फैक्ट है। मे बी हो सकता है कि ये किसी और के अंतर्गत बनी हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत ना बनी हो, या कोई अलग कमेटी हो, ठीक, या यूनाइटेड नेशन की किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई हो, तो ये फैक्ट है। दैट मीन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और आप इस पे जाओगे, ऑर्गेनाइजेशन वाली जो स्टेटमेंट होती है वो गलत होती है, अभी तो देखा था। 73, इफ ए पर्टिकुलर एरिया इज बॉट अंडर द फिफ्थ शेड्यूल, अगर फिफ्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आप किसी एरिया को लेके आते हो, तो उससे सबसे बेस्ट रिफ्लेक्ट क्या होता है, इसका मतलब है सब कुछ मिलेगा लेकिन बेस्ट क्या होगा। देखो, शुरू करो लास्ट से, द स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर स्पेशल कैटेगरी स्टेट, नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा जो आर्टिकल 370 था वो जम्मू कश्मीर के लिए था पहले, जिसको अब हटा दिया गया है, तो उसमें भी जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला था। अब आज के टाइम पे अगर आप देखो तो आर्टिकल नंबर 71, जिसमें 71 आर्टिकल नंबर ए बी सी डी और इस तरीके से दिए हुए हैं आपको, ना आपके नागालैंड को, अरुणाचल प्रदेश को, आपकी जो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र, विदर्भ वाला जो एरिया है, उनको जो स्पेशल कैटेगरी के मतलब स्टेट के में डिवाइड किया गया, तो उसके लिए तो फिफ्थ शेड्यूल की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आर्टिकल 371 ऑलरेडी यूपीएससी ने दिया, सॉरी यूपीएससी बोल रहे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। सी कह रहा है, दिस वुड कन्वर्ट एन एरिया इंटू यूटीज, क्या ऐसा है, यूटी को कन्वर्ट करने के लिए आपको फिफ्थ शेड्यूल में जाना पड़ता है, ये तो भाई यह तो ऑप्शन है बिल्कुल ही, इसको तो देखते ही मतलब बोलना है, ऑप्शन कह रहा है मुझे एलिमिनेट कर दो। ओके,
दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया, कि वो क्रिएट करेगा एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहाँ गया फिर, अगर इससे क्रिएट होता है तो? ये कह रहा क्रिएट करेगा, क्रिएट नहीं करता, इससे क्रिएट नहीं होती, ठीक है, सपोर्ट करता है, बढ़ाता है, सब कुछ है, ठीक है, ओके। अब सेकंड ऑप्शन ये हो गया। अब आपका ऑप्शन नंबर ए, इट वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू द नॉन ट्राइबल पीपल। तो यही तो है फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है, तो ये आपका पता होना चाहिए। यूपीएससी फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल से भी ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन पहले पूछ चुका है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पोलर कोड। ये करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, बट सपोज करो कि हमें नहीं पता, तो देखो इसमें भी हमें चीज़ें ध्यान देने होती वाली होती हैं। मान लो ये स्टेटमेंट वाले हैं, तो स्टेटमेंट वाले जो ऑप्शंस होते हैं उनमें राइट और रॉन्ग ढूंढने की प्रोबेबिलिटी से आप खेल सकते हो, वो समझ में आती हैं चीज़ें। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मान लो ये दे रखा हो और चार वर्ड दे रखे हो, तो वो बिल्कुल छोड़ देना। जैसे हमने पहले 21 में 2022 में क्वेश्चन किया था, जिसमें पूछा था कि वेस्टर्न अफ्रीका में कौन कौन सी लेक्स हैं और पर्टिकुलर लेक का नाम लिख दिया था, ठीक है। जब तक आपको लोकेशन नहीं पता एग्जैक्ट, आप उसको नहीं कर सकते, तो वैसे क्वेश्चन छोड़ने के होते हैं। बट इन पे देखना होता है, सबसे पहले बात कर रहा, दो में तोड़ लो, पोलर कोड। कोड क्या होता है भाई, ठीक है, देखो, ओके, चलो लास्ट से चलो। इट इज अ ट्रेड एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ आर्कटिक काउंसिल, ठीक है। इट इज अ सेट ऑफ नॉर्म्स टू बी फॉलोड बाय कंट्रीज हूज साइंटिस्ट अंडरटेक रिसर्च स्टडी इन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यानी कि जिनके साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च स्टडी कर रहे हैं नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में, वो सेट ऑफ नॉर्म्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। क्या हमने देखा आर्कटिक अंटार्कटिक के लिए कोई नॉर्म्स? It is an second. It is an agreement of the countries around the North Pole regarding the demarcation of their territory in the polar region. आज तक इंडिया पाकिस्तान की डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज का इश्यू सॉल्व नहीं हुआ, इंडिया चाइना का नहीं हुआ, तो आप कह रहे हो कि नॉर्थ मतलब पोलर कोड क्या है? एक एग्रीमेंट है कि जो नॉर्थ पोल की सराउंडिंग कंट्री है वो डिमार्केशन कर ले, वहाँ पे इतने रिसोर्सेज का भंडार है, कोई डिमार्केट क्यों करना चाहेगा? सब चाहेंगे ना कि वो एरिया बिल्कुल हमारे अंडर आए, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। इट इज़ अ इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर। अब देखो यहाँ पे पोलर वाटर की बात भी कर रहा है, यहाँ पे कोड की बात भी कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे पोलर भी है, यहाँ पे कोड भी बात कर रहा है, सेफ्टी ऑफ शिप्स की है, इसका मतलब है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी, ठीक है, ये ठीक लग रहा है, ये स्टेटमेंट ज़्यादा सही लग रहा है। समटाइम ऐसा होगा दो में कन्फ्यूज होता है, उसमें हमें देखना है कि ज़्यादा सही होने की प्रॉबिबिलिटी किसकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, अब देखो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि टी जो है वो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं टी बोर्ड का कौन सा है, तो इसका मतलब है कि एक ही पेपर में भी रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। अगर मान लो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट पहले दिया होता किसी पेपर में 2021 में सपोज करो दिया होता, तो आप फिर भी देखते ना टी बोर्ड कहाँ कहाँ पे है, क्या कंडीशंस होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि एक टी को उगाने के लिए क्या जो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए, क्या सॉइल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन कितनी होनी चाहिए, हिली एरिया होता है, प्लेन एरिया होता है, मॉइस्चर कितना चाहिए, ये सब कुछ आप ध्यान देना है इसमें, ठीक है। तो टी बोर्ड के बारे में देखो, यहाँ पे देखो, अब देखो ये है, दिख रहा है तीन बार, यानी 75%, इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी ठीक है ज़्यादा होने की। आप इसको देखोगे ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी, आप देखो ये दो बार यानी दो की पॉसिबिलिटी, ये दो सबसे कम दिया हुआ, दो की प्रोबेबिलिटी है आपकी कम होने की, ठीक है, ओके, ठीक होने की, पर ठीक है देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो पहला सेकंड कह रहा है इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अगर ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से ना हो गई, किसी और मिनिस्ट्री से हो गई, अभी देखा था ना मिनिस्ट्री हो ऑर्गेनाइजेशन हो, ये फैक्ट है, दिस इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट, दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग, तो जाओ रॉन्ग लगा दो, ठीक है। उसके बाद जाओ, इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन बेंगलुरु, इसका हेडक्वार्टर, ये भी क्या है फैक्ट है, बेंगलुरु में ना होके कहीं और हुआ, तो वैसे कहाँ है टी का, ये आपका आ जाता है कोलकाता, दार्जिलिंग टी सबसे पहले पड़ा होगा, जहाँ सबसे पहले वहीं तो होगा हेडक्वार्टर, तो यानी थ्री स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है, आंसर आ गया आपका बना फोर, ठीक है। इस तरीके से करना होगा, आप पता चल गया कि टी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है आपकी, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर पहले 78 से देख लेते हैं, 78 क्या कह रहा है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में आपसे पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ओके। सी फर्स्ट स्टेटमेंट,
क्या कह रहा है, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू एन और मेंबर, ऑब्जर्वर स्टेटस दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस, वो ऑर्गेनाइज, अब ये देखो यहाँ पे इसने क्या बोला है, वो नॉन मेंबर स्टेट को ऑब्जर्वर स्टेटस दे सकता है, ठीक है। यहाँ कह रहा है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और ऑब्जर्वर स्टेटस डिमांड कर सकते हैं, सीख मतलब ले सकती है वहाँ पे, चाहे तो जनरल असेंबली में, यानी दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है, यानी ये दोनों स्टेटमेंट साथ आएंगी, जहाँ पे आएंगे साथ तो यानी दो ऑप्शन बच जाते हैं आपके। परमानेंट ऑब्जर्वर इन द यूनाइटेड जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशन एट यूनाइटेड नेशन, अगर वो परमानेंट ऑब्जर्वर हैं तो ऑब्वियस ही बात है इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे हो गई करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखो 80th, ग्रीन वॉशिंग, फिर से कोई टर्म दे दी, अब आप कितने क्वेश्चन छोड़ने जाओगे, पोलर को, पोलर आपने देखा है, ग्रीन वॉशिंग देखा है, उससे पहले क्यूबिड वाला देखा था इसी पेपर में, ठीक है, और आई थिंक एक और देखा था, तो मतलब कितने क्वेश्चन छोड़ने जाओगे आप, तो आपको देखना है, तो इसको भी तोड़ो दो में, ग्रीन वॉशिंग मतलब वो होते हैं ना कपड़े धुलाई कर दो, साफ वॉश, ठीक है, अपने मतलब लेके चलने हैं जिनसे हमारे आंसर निकल जाए, ज्यादा वो नहीं करना। देखो ठीक क्या कहते हैं, मेकिंग मैंडेटरी प्रोविजन, ओके, एक्सट्रीम मैंडेटरी फॉर एनवायरमेंटल कोस्ट इन ए गवर्नमेंट प्रोग्राम और प्रोजेक्ट, क्या किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम, आज तक इतनी स्कीम देखी होंगी अगर आपने यूपीएससी प्रिपेयर किया है, तो क्या किसी गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट प्रोग्राम में एनवायरमेंटल कोस्ट दी हुई है, नहीं दी हुई। दूसरा, क्या आप उससे रिलेटेड मैंडेटरी प्रोविजन कर सकते हो, सम टाइम ऐसा होता है कि आपने कोई प्रोग्राम, कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसकी शुरुआत में आपको लग रहा है कि इतनी कॉस्ट नहीं लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हो, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हो, आपकी कॉस्ट निकल के आती है, तो कैसे आप प्रोविजन कर सकते हो मैंडेटरी, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, देखने में गलत लग रही है। इग्नोरिंग द, इग्नोर कर दो डिजास्ट्रस इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसिस वाइल अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, किसको, इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसिस को नहीं, डिजास्टर्स इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसिस को, अगर मान लो आपको पता है कि आप हिमालयाज में कोई लैंड, कोई प्रोजेक्ट आप लेके जा रहे हो, उससे लैंडस्लाइड होगी, ये दिख रहा है, ये रिपोर्ट बता रही है, उसके बाद भी आप ऐसे काम कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसका मतलब तो ये तो गलत है ना, तो आप कैसे करोगे, अगर आपको पता है कि आपने मकान बनाने जा रहे हो, आप मकान बनाओगे नहीं, उससे पहले गिर जाएगा, तो क्यों करोगे आप वो काम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये भी गलत है। Non inclusion of ecological environmental cost in annual financial statement of a country. आपने बजट देखा होगा, annual financial statement क्या होता है, बजट ही तो होता है आपका, उसका constitution में नाम बजट ना होके annual financial statement दिया हुआ है, in article number 112 यहाँ पे, ठीक है, तो इसने बोला है कि इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल कोस्ट उसमें शामिल नहीं करना, क्या ये ग्रीन वॉशिंग है, हम इतने टाइम से बजट पढ़ते आ रहे हैं, हमने तो कोई वर्ड ऐसा नहीं देखा कि बजट में आप कोई वर्ड देख रहे हो कि वहाँ पे इकोलॉजिकल कोस्ट नहीं शामिल कर रहे, तो उसको ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है, तो ये भी गलत है। अब क्या है, कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन, अब देखो वॉश धुलाई, फॉल्स इंप्रेशन दैट ए कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटल साउंड, यही तो होता है कि आप लेबल लगा देते हो कि हमारे को फ्रेंडली प्रोडक्ट है, लोगों पे गलत उसका इंप्रेशन जाता है, लोग खरीदते हैं, दैट मीन्स ग्रीन दिखा के आप उसको माइंड वॉश कर रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट ले लो, बट एक्चुअली वो अच्छा नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, आई थिंक हाँ 80 तक हो गए, अब हम कल देखेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन और उसके बाद हम 2023 वाला पेपर शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मुझे सजेशन देते रहे कमेंट बॉक्स में कि आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, या कोई और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, किसी क्वेश्चन को किसी और तरीके से कर सकते हैं बेहतर, ताकि आप लोगों के साथ मैं भी इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।